शिक्षार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर सोमू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, आप सभी का राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का शीर्षक है विद्यालय तंत्र में सर्व शिक्षा अभियान के हस्तक्षेप। यह विषय आपके विषय पत्र 507 की इकाई 6 के अंतर्गत है। आप सभी सर्व शिक्षा अभियान से परिचित हैं। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक बहुत ही सफल कार्यक्रम है। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो सिफारिशें थीं उनके केंद्र बिंदु में यह था कि प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा को आम जन तक पहुंचाने के लिए यह सबसे आवश्यक है कि सारे बच्चे विद्यालयों में नामांकित हों, सारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, जो कि संविधान में भी संकल्प लिया गया। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के सार्वभौमिक नामांकन एवं विद्यालय में ठहराव को हासिल करना है, जिससे सभी बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। यूनिवर्सल इनरोलमेंट, यह ऐसा शब्द है जिसका जिक्र आपके समक्ष कई बार किया गया होगा। यूनिवर्सल इनरोलमेंट से तात्पर्य यह है कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं विद्यालय के आस पड़ोस में, उन सभी का नामांकन उस पड़ोस के विद्यालय में अनिवार्य रूप से हो जाए। दूसरा जो पहलू है वो है विद्यालय में उनका ठहराव, यानी नामांकित होने के बाद वे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की शिक्षा पूरी करें और उसके पश्चात कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा को पूरी करें, क्योंकि ऐसा देखा गया है अधिकांश विद्यालयों में बच्चे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दे रहे हैं, चाहे वे लड़के हों या लड़कियां। तो निश्चित रूप से शिक्षाविदों के समक्ष, शैक्षिक प्रशासकों के समक्ष और नीति नियंताओं के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती सार्वभौमिक नामांकन एवं विद्यालय में उनके ठहराव की अभी भी बनी हुई है, क्योंकि अभी भी एक ऐसी संख्या बच्चों की है जो विद्यालय में नामांकित नहीं है। उनको भी विद्यालय में नामांकित करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं, न केवल सरकारी प्रयास बल्कि कई गैर सरकारी संगठन भी इस दिशा में सहयोग कर रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2000-2001 में आरंभ किया गया और यह राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में लागू एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए भारत सरकार का मुख्य कार्यक्रम है। इसके समग्र लक्ष्यों में मैंने पहले भी आपसे चर्चा की, सार्वभौमिक पहुंच और प्रतिधारण, शिक्षा में जेंडर गैप को कम करना, सामाजिक श्रेणी गैप को कम करना और बच्चों के सीखने के स्तर में वृद्धि करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से है। आप सभी परिचित हैं कि हम सभी देख रहे हैं कि समाज में कई आधार पर भेदभाव विद्यमान हैं, तो विद्यालय भी समाज का एक लघु रूप है। यह पूरी संभावना है कि विद्यालय में भी जेंडर गैप और सामाजिक श्रेणी गैप या उस तरह की प्रैक्टिसेस को देखा जाए। तो इससे निपटने के लिए, इसको कम करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान कई सारी प्रावधान करके अनुदान भी प्रदान कर रहा है और इस दिशा में एक सार्थक योगदान दे रहा है।
सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूल बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हैं, शिक्षकों के लिए प्रावधान हैं, आवधिक शिक्षक प्रशिक्षण और अकादमिक समर्थन, इसके लिए जो संसाधन जुटाने की बात है, पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था, कंप्यूटरों की व्यवस्था, पुस्तकालय की व्यवस्था, यह सब बच्चों के सीखने के संसाधन हैं। इनको उपलब्ध कराना ये सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रमुख रूप से इन चीज़ों पर जोर दिया जाता है। आप सब भी अपने विद्यालयों में जहाँ पर भी कार्यरत हैं, आपने देखा होगा कि जहाँ पर अतिरिक्त कक्ष की आवश्यकता है वहाँ पर अतिरिक्त कक्ष का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान द्वारा प्राप्त अनुदान से किया जाता है। जहाँ शिक्षक नहीं हैं वहाँ पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का मसला हो या इन सर्विस ट्रेनिंग का मसला हो, उसकी व्यवस्था की जा रही है। लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं। इन विद्यालयों की स्थापना के बाद ऐसी बहुत सी लड़कियां इस आवासीय विद्यालय में रह करके शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों की पहचान करना और उन्हें सहायक उपकरण सहित अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करना, विद्यालयों को प्रभावी बनाने और स्थानीय स्तर पर जवाबदेह बनाने के लिए निगरानी और पर्यवेक्षण हेतु समुदाय और समुदाय आधारित संगठनों के साथ जुड़ना। आप सभी परिचित हैं, आपके विद्यालयों में भी विशेष ज़रूरतों वाले बच्चे होंगे जिनकी शारीरिक आवश्यकताएं, जिनको सुनने में दिक्कत हो या जिनको देखने में परेशानी है या जिनको चलन संबंधी समस्याएं हैं, तो निश्चित रूप से उनकी आवश्यकताएं भी भिन्न हैं और उनको कुछ विशेष प्रकार के सहायक उपकरणों की आवश्यकता होती है। उनके लिए आधारभूत ढांचे में बदलाव की आवश्यकता होती है। आपके विद्यालय में हो सकता है कि रैंप की ज़रूरत पड़े उन बच्चों के लिए, तो इन सारी तरह की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सर्व शिक्षा अभियान एक फंड मुहैया कराता है ताकि विद्यालय में उस तरीके के आवश्यक परिवर्तन किए जा सकें। सर्व शिक्षा अभियान न केवल अनुदान की व्यवस्था करता है बल्कि ग्राम शिक्षा समिति और विद्यालय प्रबंध समिति से यह अपेक्षा करता है कि आप अपने विद्यालय की विकास योजना बनाएं, वार्षिक योजना बनाएं, बजट बनाएं और आप यह बताएं कि आपको किस मद में कितने धन की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं एक समुदाय भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में, निर्णय लेने की शक्ति का उपभोग करने में सक्षम हो पा रहा है, तो इसका श्रेय इस कार्यक्रम को जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत यह बात बड़ी स्पष्ट रूप से कही गई कि प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 1 प्राथमिक विद्यालय राज्य द्वारा अवश्य स्थापित किया जाना चाहिए। वे स्थान जहां 2 साल से EGS केंद्र सफलतापूर्वक चल रहे हैं उन्हें बाद में अपग्रेड किया जा सकता है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है कि विद्यालय की दूरी बच्चों के आवास से कितनी हो, तो इसमें बड़ा स्पष्ट रूप से प्रावधान है 1 किलोमीटर का, क्योंकि जब दूरी बढ़ जाती है तो यह संभव है कि बच्चे विद्यालय में नामांकन ना कराएं, और यह भी संभव है कि नामांकन तो करा लें लेकिन इसके बाद नियमित रूप से विद्यालय ना जाएं। तो दूरी बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है, इसीलिए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समस्त राज्य यह सुनिश्चित करें कि जहाँ भी बस्ती है उस बस्ती से 1 किलोमीटर के दायरे में 1 प्राथमिक विद्यालय अवश्य हो। प्रत्येक 2 प्राथमिक विद्यालयों पर 1 उच्च प्राथमिक विद्यालय हो। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद यह संभव है कि बच्चे बहुत दूर पढ़ाई करने ना जाएं और प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद ही अपनी पढ़ाई को रोक दें। ऐसी स्थिति में इस चिंता को ध्यान में रखते हुए यह प्रावधान किया गया सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत कि 2 प्राथमिक विद्यालयों के बीच में
एक उच्च प्राथमिक विद्यालय अवश्य हो, ऐसा अधिकांश केसेस में देखा गया कि 5 तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद लड़कियों ने उच्च प्राथमिक विद्यालय में नामांकन नहीं कराया। क्यों? यह इसलिए हुआ, लड़कियों के आवास से उच्च प्राथमिक विद्यालय की दूरी अधिक होने के कारण अभिभावकों ने उनका नामांकन नहीं कराया। लड़कियों के साथ एक अन्य चुनौती यह भी अभिभावक महसूस करते हैं कि रास्ते में उनके साथ किसी तरह की परेशानी भी हो सकती है, रास्ते में उनके साथ कोई आपत्तिजनक स्थिति भी हो सकती है, इसलिए अत्यधिक दूरी, अत्यधिक यात्रा करके लड़कियां पढ़ने कैसे जाएं, यह चुनौती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के बारे में भी स्पष्ट रूप से यह कहा गया। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक होंगे, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि बिना शिक्षक के विद्यालय का कोई औचित्य नहीं है, शिक्षक का होना अत्यंत ही आवश्यक है। तो प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक अवश्य होंगे। कक्षाएं हालांकि 5 हैं, फिर भी 2 कक्षाएं, दो शिक्षक उन कक्षाओं को, कई तरीके हैं मल्टी लेवल टीचिंग, मल्टी फेज टीचिंग के माध्यम से, कक्ष प्रबंधन के माध्यम से शिक्षण प्रदान कर सकते हैं। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में बरामदे के साथ 2 कमरे होंगे, उस बरामदे का उपयोग कक्षाओं को संचालित करने में भी किया जा सकता है। काम करने की सुविधा के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर के लिए 1 कमरा, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हेडमास्टर के लिए 1 कमरा जो कि कार्यालय के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, उसका उपयोग लैब के रूप में भी हो सकता है, तो इसके लिए भी सर्व शिक्षा अभियान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया। जहाँ तक पाठ्य पुस्तकों की बात है, पाठ्य पुस्तक अभी भी शिक्षा के किसी भी स्तर पर शिक्षण की रीढ़ है। सभी बच्चों को, चाहे वे लड़कियां हों, चाहे वे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चे हों, उनको मुफ्त पाठ्य पुस्तकों का प्रावधान इस अभियान के अंतर्गत किया गया। राज्य के लिए वर्तमान में उपलब्ध कराई जा रही मुफ्त पाठ्य पुस्तकों की निधि जारी रखना भारत सरकार ने तय किया कि राज्यों को इस मद में जो राशि जारी की गई पूर्व के वर्षों में, उसको भी भविष्य में जारी रखा जाएगा, जिससे कि कहीं पर भी राज्यों को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े, विशेषकर पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन और वितरण में। आप सभी जानते हैं जो प्राथमिक स्तर पर बच्चे हैं, वो मनोवैज्ञानिक प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की ठोस परिचालन अवस्था में है। इसका मतलब है कि संप्रत्यय विकास के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री अनिवार्य है। बच्चे देखकर, बच्चे ऑब्जर्व करके, अवलोकन करके, बच्चे छूकर, बच्चे महसूस कर सीखने की कोशिश करते हैं, और मनोवैज्ञानिकों ने और शिक्षाविदों ने यह माना है कि जितनी अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियां बच्चों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शामिल होंगी, उतना ही सरल तरीके से, सहज तरीके से बच्चे सीखेंगे, और सीखा हुआ ज्ञान, अर्जित किया हुआ ज्ञान अधिक समय तक उनके मन मस्तिष्क में रहेगा। इसलिए शिक्षण अधिगम उपकरणों के लिए प्रावधान किए गए हैं। आप सभी शिक्षार्थी अपने विद्यालयों में शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग कर भी रहे होंगे, आपने किया होगा, तो आपने ये महसूस किया होगा कि जब आप शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करते हैं तो आपकी कक्षा के बच्चे अधिक रुचि लेते हैं और उनका ध्यान पाठ पर केंद्रित रहता है। इसलिए यह जिम्मेदारी आपकी है कि आप स्थानीय संदर्भ और आवश्यकता के अनुसार
शिक्षण अधिगम उपकरणों की खोज करें। और इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में प्रति स्कूल 10,000 रुपये का वित्तीय प्रावधान है। शिक्षण अधिगम उपकरणों की व्यवस्था का दायित्व ग्राम शिक्षा समिति अथवा विद्यालय प्रबंध समिति का होगा, यह अभियान में कहा गया। उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण अधिगम उपकरणों के लिए प्रति स्कूल 50,000 रुपये का वित्तीय प्रावधान है। अब बात आती है कि स्कूल सुविधाओं में सुधार की अगर बात की जाए, बीआरसी सीआरसी के निर्माण की अगर हम बात करें, इसके लिए भी धनराशि आवंटित करने का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किया गया। एसएसए कार्यक्रम निधि की 33% की सीमा तक धनराशि प्रदान की जाती है। इस मद में वे विद्यालय जहां सीआरसी हैं वहां उन्हें अतिरिक्त कमरे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कार्यालय भवनों की मरम्मत और निर्माण के लिए किसी प्रकार की धनराशि प्रदान नहीं की जाती है। धन के दुरुपयोग से बचने के लिए भवन निर्माण के बजाय इमारतों की मरम्मत केवल मरम्मत सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से किए जाने का प्रावधान है और यह कार्य ग्राम शिक्षा समिति या विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान ने धनराशि की अधिकतम सीमा भी विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा जो विशिष्ट प्रस्ताव है उसके अनुरूप प्रतिवर्ष 5,000 रुपये तय की है। उपकरणों की मरम्मत को पूरा करने के लिए शिक्षकों स्कूलों के लिए एक अनुदान प्रदान किया जाता है। यह राशि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय अथवा उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 2,000 रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित है, जिसका खर्च ग्राम शिक्षा समिति अथवा विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा पारदर्शिता से किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु वित्तीय प्रावधान पर ध्यान दिया गया है। जैसा कि हमने पहले भी आपसे चर्चा की कि ऐसे बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें आधारभूत संरचना में बदलाव करना होगा, उनके लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी और उनके लिए कुछ उपकरणों को भी खरीदना पड़ सकता है। यह सब किया जाना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो भी इस वातावरण में सहजता से सरलता से समावेशित होकर के शिक्षा ग्रहण कर सकें। हम सभी शिक्षक मिल करके अपनी कक्षा को समावेशी कक्षा बनाने के लिए प्रयासरत हैं, तो इन प्रयासों को और बल देने के लिए ही भारत सरकार ने 1,200 रुपये प्रति बच्चे का प्रावधान किया है। इस धनराशि का उपयोग अभी जो मैंने चर्चा की जिन बिंदुओं की उसमें खर्च किया जा सकता है। सर्व शिक्षा अभियान की अगर हम हस्तक्षेप की बात करें तो जब ये अभियान आया उस समय तक प्रारंभिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन बहुत चिंतनीय था, बहुत कम था। तो इसके अंतर्गत एक उप कार्यक्रम आरंभ किया गया, राष्ट्र प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए कार्यक्रम NPEGEL। इस कार्यक्रम ने लड़कियों के नामांकन में बहुत सकारात्मक वृद्धि की और हम काफ़ी हद तक लड़कियों को विद्यालय से जोड़ पाए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जिसकी चर्चा भी हमने की, यह भी एक महत्वपूर्ण बदलाव था प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में। इससे भी लड़कियों का नामांकन बहुत तेज़ी से बढ़ा। महिला समाख्या कार्यक्रम ने भी लड़कियों को आकर्षित किया, लड़कियों को का नामांकन बढ़ा विद्यालयों में। अभी जो हमने बात की अनुदान की कि स्कूल को एसएसए के अंतर्गत कितने प्रकार के अनुदान प्राप्त होते हैं, शिक्षक अनुदान, स्कूल अनुदान, स्कूल रखरखाव अनुदान, फर्नीचर एवं पुस्तकालय हेतु अनुदान। शिक्षकों को भी अनुदान प्रदान किए जाने की व्यवस्था है।
आप सभी इस समय प्रयासरत हैं अपने बच्चों का अधिगम स्तर को बढ़ाने में। आप सभी की भी चिंता रहती है कि आपकी कक्षा के बच्चे अच्छा प्रदर्शन करें, लेकिन चुनौती कहाँ है, जिसकी चर्चा अभी हमने की। चुनौती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाल केंद्रित बनाने की, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदमय बनाने की। और ये केवल बातों से नहीं हो सकता, इसके लिए शिक्षक को शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रबंध करना होगा, या तो वो स्वयं निर्मित करे या उसकी व्यवस्था करे, कहीं से उसको खरीदे, या अपने गांव में, अपने विद्यालय में, विद्यालय के आसपास उपलब्ध स्थानीय सामग्री से उसको निर्मित करे कम से कम खर्चे में। तो क्या होगा, उस शिक्षण अधिगम सामग्री की सहायता से जब शिक्षण होगा तो बच्चे की सारी ज्ञानेंद्रियां उस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संलग्न होंगी। बच्चा देखेगा, बच्चा सुनेगा, बच्चा कुछ करेगा, तो निश्चित रूप से वो आसानी से सीख सकेगा। इस हेतु शिक्षकों को, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय के हों चाहे उच्च प्राथमिक विद्यालय के हों, 500 रुपये प्रति शिक्षक प्रदान किया जाता है। स्कूल अनुदान की भी व्यवस्था है, जिसको केवल BEC और SMC द्वारा खर्च किया जाता है। स्कूल में बहुत सारे उपकरण हैं जो नॉन फंक्शनल हो गए हैं। हो सकता है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में कोई विज्ञान का उपकरण है जो खराब हो गया है, या कोई और वैज्ञानिक उपकरण है, और कोई ऐसा सामान है जो अब खराब हो गया है, उपयोग में नहीं है, उसको प्रतिस्थापित करने के लिए। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं विद्यालय में कि रोज़ कुछ ना कुछ खरीदना है, और वो सामान या तो समाप्त हो जाता है या नष्ट होता है, कंज्यूमेबल आइटम्स, खेलकूद का सामान है। इसके लिए भी प्रत्येक सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय को धनराशि दी जाती है, 5,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रति प्राथमिक विद्यालय, और 7,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रति उच्च प्राथमिक विद्यालय धनराशि प्रदान की जाती है। स्कूल प्रबंधन अनुदान की व्यवस्था है। स्कूल प्रबंधन अनुदान के माध्यम से स्कूल की जो बिल्डिंग है, कमरे हैं, अगर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनका रखरखाव किया जाता है, मरम्मत की जाती है। 3 कक्षाओं तक के स्कूल प्रतिवर्ष अधिकतम 5,000 रुपये प्रति स्कूल के लिए पात्र हैं। 3 से अधिक कक्षाओं वाले स्कूल प्रतिवर्ष 10,000 रुपये प्रति स्कूल के अनुदान के लिए पात्र हैं। फर्नीचर के लिए भी प्रावधान है, लेकिन फर्नीचर का प्रावधान केवल उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए है, जिनके पास पहले से फर्नीचर नहीं है। और सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रति बच्चे 500 रुपये दिया जा सकता है। पुस्तकालय के लिए धनराशि आवंटित करने का प्रावधान है, जिनके पास पहले से पुस्तकालय नहीं है, ऐसे विद्यालयों के लिए 3,000 रुपये प्राथमिक विद्यालय को, और वन टाइम ग्रांट के रूप में उच्च प्राथमिक विद्यालय को 10,000 रुपये पुस्तकालय की व्यवस्था के लिए दिए जाते हैं। अभी आपने देखा कि सर्व शिक्षा अभियान ने जो कोशिशें की, उसके अंतर्गत जो धनराशि आवंटित की गई, अभियान तो वर्ष 2001 से अभी तक संचालित हो रहा है, और 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी आया, और उसमें भी कई प्रावधान किए गए विद्यालय की बेहतरी के लिए। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इन प्रावधानों ने विद्यालय तंत्र को न केवल सकारात्मक रूप से मजबूत किया, बल्कि आर्थिक रूप से भी काफ़ी सशक्त किया। आप देखिए, सर्व शिक्षा अभियान के आने के बाद जो हम लक्ष्य लेकर चले थे कि हर बच्चा, 6 से 14 आयु वर्ग का हर बच्चा विद्यालय में नामांकित हो, उस लक्ष्य के काफ़ी करीब तक हम पहुँचे। हाँ, ठहराव की समस्या है, अभी भी समस्या है, उसके लिए भी प्रयास चल रहा है कि हर बच्चा हमारा प्राथमिक शिक्षा पूरी करे और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करे, विशेष रूप से लड़कियां भी पूरी करें। इसके लिए योजनाएं चल रही हैं,
अनुदान की व्यवस्था की गई है। लेकिन हम अगर देखें तो इस सर्व शिक्षा अभियान ने विद्यालय तंत्र में बहुत ही सकारात्मक हस्तक्षेप किया और जो विकास की गति थी उसको अत्यंत ही तीव्र कर दिया है। चाहे वो सार्वभौमिक नामांकन हो, सार्वभौमिक ठहराव हो और अधिगम के स्तर में वृद्धि का भी मसला हो, आप सभी इस बात से सहमत होंगे भाई अधिगम तो तभी बढ़ेगा जब वो बच्चा विद्यालय में आएगा। तो पहले नामांकन हो, नामांकन के बाद विद्यालय में आना नियमित रूप से जारी रखे और उसके बाद उसके लिए विद्यालय में भौतिक सुविधाएं और अकादमिक वातावरण जब निर्मित किया जाएगा और शिक्षक प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से अधिगम के स्तर में वृद्धि तय है। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जेंडर गैप और सामाजिक श्रेणी गैप को कम करने की कोशिशें की गई, शिक्षा तक सबकी पहुंच को आसान बनाने के लिए, शिक्षा में समावेशी माहौल तैयार करने के लिए, शिक्षा को समता के लक्ष्यों तक ले जाने के लिए यह सर्व शिक्षा अभियान महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। आप सभी ने इस विषय को ध्यानपूर्वक सुना, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शिक्षण सत्र में किसी नए बिंदु पर चर्चा के लिए पुनः प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।